रास्ते भर में इतने ज़्यादा पत्थर हो रखे थे, इतने आजकल तो भाई सफ़र करना बहुत मुश्किल है। सच में सबको कह रही हूँ मैं कि आजकल जब जैसे भी थोड़ा जिसकी इमरजेंसी है उसको तो करना ही पड़ता है, पर नहीं तो अवॉइड करना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। अभी लग रहा है बारिश भी लगने लगी हल्की हल्की। नमस्ते पंडाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाड़ ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का 5 बज रहे हैं, हम हो गए हैं रेडी एकदम गोपेश्वर जाने के लिए। और अभी सुबह का 5 बज रहे हैं, अभी गाड़ी वाला नीचे पे लेने आएगा तो फिर चलेंगे। और अनु बेटा ना सुबह सुबह तो ना गई भाई साहब, आज सुबह सुबह मुझे पता क्या हो रहा है, ऐसे भूख जैसी लग रही है यार, मन कर रहा कुछ खाने का, पता नहीं क्यों पेट खाली खाली सा लग रहा है। और यहाँ पे होटल में ऑर्डर कर दे तो यहाँ पे सुबह 7 बजे से पहले बनता नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर भी नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं बाहर पे अगर कुछ मिलेगा खाने को। मेरे को अजीब क्रेवी जैसी हो रही है, भूख जैसी, मतलब कुछ खाना था कुछ खाना था, पता नहीं क्यों हो रहा है यार, सुबह इतनी सुबह खाने का मन कर रहा पहली बार। और कल मैं वहाँ पे गई थी ना, बाइक का ये लाए थे मैं, ये सेफ्टी गार्ड ना, मैंने कहा कभी जाएंगे ऊपर राइड पे तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी गार्ड लाई हूँ मैं, पैरों का और ये एल्बो का, सारी चीज़ें ना सही होती है और ज़रूरी है। चलो आगे चलो ना, लेफ्ट से जाएंगे। क्या बोल रहा हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में, और पानी देख रहे हो पूरे रास्ते भर पत्थर ही पत्थर। देवप्रयाग से थोड़ा पीछे ही है और यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए, यहाँ पे है ना एक ढाबा ये। और रास्ते भर में इतने ज़्यादा पत्थर हो रखे थे, इतने आजकल तो भाई सफ़र करना बहुत मुश्किल है। सच में सबको कह रही हूँ मैं कि आजकल जब जैसे भी थोड़ा जिसकी इमरजेंसी है उसको तो करना ही पड़ता है, पर नहीं तो अवॉइड करना चाहिए, बहुत रिस्की होता, बहुत ज़्यादा रिस्की। और अभी पता कितने बजे पहुँचे हैं, 2 बजे। तो उसके बाद मैं सो गई थी और मतलब खाना खुना बनाया था, खाना चौंसा बनाया था, चावल बनाए थे। अनन्या ने भाई आते ही बोला मुझे चौंसा भात चाहिए, तो फिर उसके बाद चौंसा भात बनाया, बर्तन भी नहीं धोए, सो गई। अभी जाके 8 बजे उठी हूँ क्योंकि दूध लेने जाना था ना, तो फिर उठना तो था ही। उसके बाद उठने के बाद बना दी मैंने चाय पीते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज इनकी ना पट्टी चेंज करूँगी मैं, और क्या डर लग रही, डॉक्टर ने बोला था कि मतलब पट्टी चेंज करना है और इस पर ना नारियल तेल लगाना है, तो पूरा आज इसका पट्टी निकालेंगे, फिर उसके बाद वो गर्म वाली पट्टी बांधेंगे ना, तो ज़्यादा वो सही रहेगा, उसको तो जब तक अपनी इच्छा के हिसाब से पहन सकते हैं ना। तो ये है पूरा, इसको निकालना पड़ेगा, पहले इसको रिमूव करते हैं जल्दी से। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे है। कल तो इतनी थकान लगी थी ना, आते टाइम भी सो गई थी, मतलब जब घर आई थी ना उसके बाद भी सो गई थी। 8 बजे उठी दूध लेने की, क्योंकि चिंता थी ना कि दूध लेने जाना है, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। फिर उसके बाद जल्दी से खाना वाना बनाए, और रात को फिर नींद ही नहीं आई, मतलब 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आई क्योंकि दिन भर सो गई थी, और फिर 2-3 बजे नींद आई होगी। तो ये अभी नेक्स्ट डे आ, थोड़ा लेट से ही उठे, छुट्टी भी थी, वैसे भी मैं अनन्या को भेजने वाली नहीं थी क्योंकि उसको भी थोड़ा सफ़र में होता ही है ना, पर शुक्र करो छुट्टी है क्योंकि बारिश इतनी आ रही है कि भाई साहब 6 दिन हो गए आज कंटिन्यू बारिश आ रही है 6 दिन से ना। तो बस अभी भी बाहर मौसम वैसे ही हो रहा है, थोड़ा सा बारिश बंद हो गई पर हल्की हल्की बारिश जो लगती है ना वो लगी हुई है। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखो
अभी ना कंटिन्यू बारिश ही आ रही है और मेरा अभी नाश्ता नुस्ता कुछ भी नहीं बना, तो पहले नाश्ता बना बना देती हूँ क्योंकि आज सब घर पे स्कूल कोई नहीं जा रहा था, सबकी छुट्टी है ना इस वजह से। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट और अनन्या की पेन लेनी है, उसको स्कूल का काम करना है तो इसलिए अभी मुझे जाना पड़ रहा है और थोड़ा और काम भी है तो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मैंने स्कूटी ऊपर पे लगा रखी थी, पता नहीं कहाँ पे होगी, भगवान जाने लोग क्या करते हैं ना इधर उधर खिसका देते हैं। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद मंदिर में आ रही हूँ क्योंकि काम में इस दिन बिजी थे, एकदम परेशानी थी, तो मैंने कहा सुबह यार आज टाइम है तो मंदिर भी चले जाती हूँ, पर मंदिर बंद हो रखा है। चलो बाहर से दर्शन वगैरह तो कर लिए हैं और अभी जाके बारिश भी रुकी है ना, तो तब जाके मैंने कहा थोड़ा मंदिर के दर्शन भी कर लेती हूँ। ये देख लो इधर भी पूरा गीला हो रखा है। जय हो भगवान जी, जय हो गोपीनाथ भगवान, जय हो। तो दोस्तों यहाँ पे कर रही हूँ मैं थोड़ा सा मखाने को रोस्ट क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और बॉडी के लिए ना अच्छा होता है, तो इसको थोड़ा रोस्ट करके खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। अभी शाम की बज रही है 8:30 और खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और इनको ना मैंने वो जो मटन के वो रहते हैं वो बोलते हैं लोग हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये मना कर रही है कि कह रहे हैं मेरे को नहीं खाना है क्योंकि इतना मतलब 2-3 दिन खिलाए ना मैंने, वैसे कुछ भी नहीं डालना उसमें, मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ वो डालना है नमक और उसके थोड़ा सा तेल कि जिससे उसका वो बन जाए मतलब पूरा रस निकल जाए, वैसी चीज़ें खिलानी, उससे क्या होता है कि हड्डी एकदम से जुड़ जाती है। तो मैंने 5-6 दिन तक वो पिलाया, तो अभी इसको इनको ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई उसको नहीं पीना है, उससे पी के ना इनको सर घूम जैसे रहा, मतलब एक चीज़ बार बार खाओगे तो वो तो होता ही है। तो मैंने सोचा यार कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें, मखाने भी लाई थी मैंने, कभी इनका पाउडर भी बनाऊंगी, और ये वाले जो चने होते हैं ना ये बॉडी के लिए इतने अच्छे होते हैं ना मैं बता नहीं सकती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें इसको मतलब पीस के पहले इनको थोड़ा हल्का सा वो करके और फिर सुखा के थोड़ा इसको पीस के पूरा बारीक बना दूँगी, और मखाने भी इसके साथ पीस के इसका पाउडर बना दूँगी ना, तो दूध के साथ 1-1 चम्मच पियेंगी ना तो उससे प्रोटीन मिलेगा। तो वो चीज़ें आजकल ऐसा होता है कि हड्डियों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, तो मैं सोच रही हूँ कल धूप है नहीं ना तो सुखाने का टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है हर दिन बारिश आ रही है, तो आज मैं ना फिश को थोड़ा फिश लेके आई हूँ और मैंने कहा उसको मसाले नहीं बनाऊंगी, जो चीज़ हम वैसे रोस्ट करके खाते हैं ना वो ज़्यादा लगती है शरीर पे, क्योंकि उसमें अगर मसाले वगैरह सारी चीज़ मसाले हल्के ऐड करूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी, तो जो चीज़ हम वैसे पका के ज़्यादा खाते हैं वो उतनी लगती नहीं है, मतलब जैसे सब्ज़ी भी देख रहे हो आप लोग खाते हो हल्की सी कच्ची खाओगे तो वो ज़्यादा शरीर पे लगती है, अगर वैसे खाओगे तो मतलब पका के खाओगे तो उतना बेनिफिट नहीं होता, पर हम लोग तो करते ही हैं, जब तक हमको पूरा गला वार नहीं मिलता है ना तो वो चीज़ें हजम ही नहीं होती है। मैं थोड़ा इनको थोड़ा मच्छी ना फ्राई करके देती हूँ, उस पर हल्का सा सोटे कर देती हूँ इसमें, तो अभी मैंने यहाँ पर यह तवा रखा है और यहाँ पर लाएगी जी मैं मच्छी, अगर कोई नहीं खाता हो तो मत देखना यार ना, तो बस अभी जल्दी से यार क्या करूँगा, अभी तो मेरा आजकल तो आप लोगों को पता है 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, इतनी बिजी हूँ कि खुद को 1 मिनट भी नहीं है कि अपने पास अपना कुछ कर पाऊँ, तो ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही आ रहे हैं, बना ही नहीं पा रही हूँ, इन्हीं पे थोड़ा ध्यान देना है, अभी जो चीज़ मतलब अभी सुधार सकते हैं तो उसको सुधार सकते हैं ना, कि मतलब अभी थोड़ा सा कमी कर दी ना तो बाद में वो चीज़ दिक्कत करती है, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई आजकल जितनी भी चीज़ें हो सके इनके मतलब प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें ध्यान इन पे हैं, तो इस वजह से थोड़ा ना ब्लॉग बनाने में भी टाइम नहीं लग रहा आजकल। रोटी और लेहुड़े की सब्ज़ी बनाती हूँ, आज मैं लेहुड़ा भी लेके आई थी ये मार्केट से।